तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। क्योंकि अक्सर लोग मेरे से पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि जब भी लोग मथुरा वृंदावन घूमने आते हैं तो दोपहर में ऐसा होता है कि 12 से लेकर 4 बजे तक मथुरा और वृंदावन के मंदिर बंद होते हैं। तो कई बार लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, भैया ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ ये 3-4 घंटे हम टाइम पास कर सकें। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है, कल रात को मैंने बताया था कि एक सवारी मेरे मित्र ने दिया जिसको 3 दिन लगातार घूमना है। तो सुबह सुबह 6 बजे उनका कॉल आ गया था कि भैया जो रात को हमने होटल लिया था ना उसको चेंज करना है। तो पहले तो भाई सुबह 6 बजे उठ के गया, उनका रूम चेंज करवाया, फिर दोबारा घर पर आया हूँ, नहाया धोया, रेडी हो चुका हूँ, अब निकल रहे हैं उन्हें घुमाने के लिए। उन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, लगभग आधा घंटा निकल चुका है, तो आधे घंटे पहले ही उनके पास पहुँच रहे हैं, वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मथुरा और वृंदावन आज घुमाना है, अगले दिन क्या घुमाना है वो कल बताएंगे। फिलहाल तो घर से निकलते हैं और एक नए दिन नए ब्लॉग दोनों की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। हम और हमारी महिंद्रा ट्रियो दोनों की दोनों रेडी है, निकलते हैं। हाँ तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे पास सवारी है मथुरा वृंदावन घूमने की, तो भाई मैं उनको सीधा लेके आया हूँ वृंदावन के लिए। क्योंकि नहाने धोने में उतना टाइम लगा दिया उन लोगों ने कि भाई लगभग 9:15 बजे के करीब मैं कॉल आया कि भैया अब हम रेडी हैं, हमें घुमाने के लिए आ जाइए। तो इन्होंने भाई पूरी की पूरी लिस्ट ले रखी है 10-12 मंदिरों की, और टाइमिंग इनकी बिगड़ गई है, बहुत लेट हो गए। तो मैंने बता दिया है, पहला मंदिर ये गोविंद देव मंदिर करने गए, गोविंद देव से निकलेंगे सीधा जाएंगे रंगनाथ जी, जस्ट हमारे पीछे ही आपको जो छोटी सी दिख रही होगी वो रंगनाथ जी मंदिर है। इसके बाद जाएंगे निधिवन, तो एक के बाद एक मंदिर तो उन्होंने 10-12 गिनाए, लेकिन कितने हो पाएंगे वो आपको बताऊंगा। पहला मंदिर करने के लिए गए हुए, आज घुमाने की सवारी है, आज है कल और परसों। ये लोग बोल तो 3 दिन के रहे, लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि 1 दिन घूमने के बाद सवारियों के इरादे बदल जाते हैं। तो मैं कन्फर्म तौर पर नहीं कहूँगा कि 3 दिन घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, फिलहाल आज के लिए काम मिल गया है तो आज घुमाएंगे। और जो हमारी महिंद्रा ट्रियो को दिखाने का जो काम था वो भाई पेंडिंग में चला गया है, पैसे की ज़रूरत है मुझे यार। अब मैं कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना आती लक्ष्मी को जो मना करे वो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। तो लक्ष्मी आ रही है, उनका स्वागत करते हैं। वैसे भी दिवाली आ रही है, फिर दिवाली के टाइम पर मेरी गाड़ी की EMI है, तो मुसीबतें बढ़ जाएँ, इससे अच्छा जो मिल रहा है उसको कमाने में लग जाते हैं। आने देते हैं, अगर इनकी इच्छा होगी तो आपको मिलाऊंगा, वरना गुम में अपन तो दिख ही रहे ना आपको, घुमाते रहेंगे इनको। मेरी सामने से जो आ रही हैं 4 सवारियां, इन्होंने पूरा दिन निकाल दिया एक ही मंदिर में। कई बार ना ऐसी सवारियां मिल जाती हैं जो भाई खुद तो टाइम खराब करती है, और फिर ड्राइवर आदमी से बोलती है भैया आपने कुछ दिखाया ही नहीं हमको। लगभग मैंने इनको 9:30 बजे भेजा था, केवल 3 मंदिर बताए थे कि यहीं से आप रंगनाथ जी कर लो, गोविंद जी कर लो, और यहीं से निधिवन चले जाना। भाई अंदर ही अंदर होते हुए 4-5 मंदिर घूम के आई हैं, यमुनाथ जी की सैर करके आई हैं नाव से, और मेरे से बोल रही है भैया आपने हमें गलत घुमा दिया। बताइए ये होता है भाई गाड़ीबाजी में। अभी उनको लेके मैं रंगनाथ जी मंदिर से आ गया हूँ इधर कांच के मंदिर के लिए। मेरे पीछे जो दिख रहा है यही कांच का मंदिर है, यहाँ से आने के बाद देखेंगे प्रेम मंदिर जाएंगे कि इस्कॉन जाएंगे या फिर वैष्णो देवी, यही डिसाइड करेंगे, यही बताएंगे कैसे चलना है। और भाई कहीं से कोई स्कूल का रूट आया हुआ है, देखिए लाइन लगा के बच्चे जा रहे हैं, वृंदावन में ऐसी रैलियां चलती हैं। दोस्तों सच सच बताना कि ऐसे करके स्कूल के टूर पर कौन गया है, बच्चे बेचारे लाइन लगा के टीचर उनके आगे पीछे लगे हुए कि कोई इधर से उधर भाग नहीं जाए, और ये लोग आ रहे हैं इधर के लिए, इधर को ये कांच का मंदिर है इसे देखने के लिए। तो दोस्तों जिन सवारियों को लेके मथुरा से मैं आया था घुमाने के लिए वृंदावन, उनको घुमाते घुमाते अभी दोपहर के 2 बज गए, और भाई यहाँ तक जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है अब उनके लिए रिवॉर्ड का टाइम है। क्योंकि अक्सर लोग मेरे से पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि जब भी लोग मथुरा वृंदावन घूमने आते हैं तो दोपहर में ऐसा होता है कि 12 से लेकर 4 बजे तक मथुरा और वृंदावन के मंदिर बंद होते हैं। तो कई बार लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं भैया ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ ये 3-4 घंटे हम टाइम पास कर सकें। तो आज भाई मेरे सामने वही समस्या आ गई है, हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था
मैं यही सोच के आया था दोपहर तक सारे मंदिर हो जाएंगे, उसके बाद मैं मथुरा वापस आ जाऊंगा और जो सवारियां इनको इनके होटल पर छोड़ दूंगा। लेकिन भाई सब कुछ जैसा सोचते वैसा होता नहीं है, रियल लाइफ अलग ही चलती है। तो इन लोगों को घूमते घूमते दोपहर हो गई है, इन्होंने इतना टाइम लिया है बहुत ज़्यादा। अभी प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी टेम्पल रह गए, तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि भैया हम इंतजार करेंगे 3 घंटे, जैसे ही खोलेंगे देख के फिर वापस चलेंगे मथुरा के लिए। चलो भाई, पैसा दे रहा आदमी उससे मना नहीं कर सकते, चाहे मैं हो या कोई और हो। तो भाई असल बात पे आ जाते हैं कि आपको कहाँ टाइम पास करना है। मेरे जस्ट पीछे आपको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा, मैं रोड की तरफ चलता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, पीछे की तरफ जगह है अक्षय पात्र, यहाँ पे आपको फ्री में खाना भी मिल सकता है और अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी चाहें आप यहाँ पे बड़े आराम से टाइम पास कर सकते हो। तो जब भी मथुरा वृंदावन घूमने आओ, अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है कि घूमते घूमते लेट हो जाते हैं और मंदिर खुलने का इंतजार करना है, तो आप सीधे प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी और प्रियागंज, इन तीनों के बीच में पड़ता है। प्रेम मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, वैष्णो देवी से 1.5 से 2 किलोमीटर, दोनों तीनों मंदिरों के बीच में एक जगह है अक्षय पात्र। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर चंद्रोदय मंदिर भी बन रहा है। जब भी आओ यहाँ पे आप आराम से टाइम पास कर सकते हो, खाना पीना भी खा सकते हो। आज जिन सवारियों को मैं घुमा रहा हूँ ना, वैसे तो इनको घुमा के मुझे दोपहर को फ्री हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई सवारियाँ ऐसी थी, इनका घूमने का इतना ज़्यादा मन था कि मैंने भी भाई नहीं मारा। क्योंकि जब कोई दूर से घूमने के लिए आता ना, तो अपनी भी इच्छा होती है और कोई अच्छी तरह से घूम रहा हो तो फिर दिक्कत होती नहीं है। वैसे मेरा इरादा ये था कि दोपहर तक मैं वृंदावन करा दूँगा, शाम के टाइम में मथुरा का जन्मभूमि मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर कराऊँगा, लेकिन इन्होंने वृंदावन में मेरी मामला गड़बड़ कर दिया। लगभग 3-4 घंटे तो सुबह के टाइम मेरे खा गए मेरे, फिर बोले कि भैया ये 2 मंदिर रह गए, इनको भी देख कर ही जाएंगे। मैंने चलो भाई, 3 घंटे फिर इनका मंदिर खुलने के लिए वृंदावन में इंतजार करना पड़ा। तो शाम के टाइम में मैंने वैष्णो देवी मंदिर कराया, प्रेम मंदिर कराया, उसके बाद मैं पागल बाबा, और पागल बाबा दर्शन कराने के बाद लेके आ गया जन्मभूमि। जन्मभूमि पर इस समय मैं खड़ा हूँ पोतराकुंड पर, पीछे आपको दिख रहा है गजब का नज़ारा होता भाई है। शाम के टाइम में यहाँ लाइटिंग होती है पोतराकुंड पर, जन्मभूमि के जस्ट पीछे ही है। कभी आए हो तो शाम के टाइम में यहाँ देख के जरूर जाना। हाँ तो जी दोस्तों, ये होती है ड्राइवर्स की ज़िंदगी भाई। सुबह लगभग 6:30 बजे करीब में पहली कॉल आई थी इनकी कि भैया हमें रूम चेंज करना है, दूसरा रूम लेना है। तो भाई सुबह 6 बजे गया, उनको रूम दिलाया, फिर बोले कि हम नहा धो लेते हैं उसके बाद घूमने निकलेंगे। तो लगभग 8:30 बजे के करीब में लेकर निकला था और अभी 9 बजे हुए हैं। जन्मभूमि पर मैंने 7:30 बजे ला कर रख दिया था, भाई जन्मभूमि में उन्होंने 9 बजा दिए मेरे को, इतना लेट कर दिया। पहले जन्मभूमि के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद बैठ गए खाना खाने के लिए। अब भाई ड्राइवर लोगों का ऐसा झंझट होता है कि सवारी से कुछ कह नहीं पाते, पैसे देती है ना सवारी, ऐसा लगता है जैसे हमको खरीद लिया हो, कभी कभी फंस जाते हैं बुरे। और आज भी बहुत बुरा फंसा था, मुसीबत ये है कि आज तो फंसे ही फंसे, कल फिर से लेके जाना है इन्हीं को, त्यौहार का टाइम है, पैसे की ज़रूरत है। तो भाई शिकायत का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, जो है चलता रहने दे, कल फिर से घुमाने जाएंगे इनको। शायद नंदगांव बरसाना गोवर्धन होगा आज, कल सॉरी आज तो मथुरा वृंदावन था,
तो घर आ चुके हैं और भाई मेरा अंदर जाके ब्लॉग एंड करने का कोई भी मूड नहीं है। तो इसी महिंद्रा ट्रियो पे आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आज का दिन अच्छा रहा क्योंकि भाई सारे दिन की भाड़ा घूमने को मिल गया था, तो दिन से कोई शिकायत नहीं है, बस थक गया हूँ बुरी तरह से, कमर दर्द कर रही है, तो बस ख़त्म करते हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। चेहरे पर बत्ती बुझी हुई है यार, सुबह मैंने दो पराठे खाए थे, उसी को आगे निकल गया था और कुछ नहीं खाया, मैं बाहर का खाता ही नहीं हूँ। बस आधा किलो केले ले लिए थे जिसमें 4 केले आए थे वो खाए, एक चाय पी और एक पानी की बोतल, पूरा दिन साफ इसी में आराम करते हैं। चलिए कल मिलते हैं आपसे, राधे राधे।